भारत में इस समय अगर करोड़पतियों की बात होती है तो अंबानी के साथ अडानी का नाम जरूर सामने आता है। गौतम अडानी भारत के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए थे। हालांकि डनबर्ग की रिपोर्ट के बाद उनको जोर का झटका लगा है। बुधवार को उनके नेटवर्थ में बड़ी गिरावट आई और वह अरबपतियों की लिस्ट में खिसक कर 15वें नंबर पर पहुंच गए हैं। हिडनबर्ग की रिपोर्ट में अडानी ग्रुप पर कर्ज को लेकर दावे किए गए थे, जिसके बाद उनके निवेशकों का विश्वास कम हो गया और शेयर भरा भर कर गिर गए। ये तो हुई अडानी के कारोबारी जीवन की बात। उनके निजी जीवन की बात करें तो वह अपने छोटे से परिवार में जिम्मेदार अभिभावक के रूप में जाने जाते हैं। उनकी पत्नी प्रीति अडानी अडानी फाउंडेशन की हेड है। 1996 में उन्होंने अडानी फाउंडेशन का काम संभाला था। वह चैरिटी के कामों में बड़ा योगदान करती है। गौतम अडानी ने 1988 में अडानी ग्रुप बनाया था। पत्नी के अलावा उनके परिवार में दो बेटे हैं, जिनका नाम करण और जीत है। अब आपको बताते हैं कि आखिर गौतम अडानी की पत्नी प्रीति अडानी है कौन। उन्होंने अहमदाबाद के गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज से ग्रेजुएशन किया था। हालांकि गौतम से शादी के बाद उन्हें डॉक्टर का पेशा छोड़ दिया और अडानी फाउंडेशन की जिम्मेदारी संभालने लगी। वह गुजरात के साक्षरता दर बढ़ाने के लिए कई कार्यक्रम चलाती है। उनकी निगरानी में अडानी ग्रुप का CHR चलता है। इसके तहत 2018-19 में 128 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। उन्होंने अहमदाबाद के कॉलेज से डेंटल सर्जरी से डिग्री हासिल की थी। अमीर महिला होते हुए भी वह अपनी संपत्ति के बजाय लोगों का ज्यादा ध्यान रखती है और जरूरतमंदों के लिए काम करती रहती है। देश के 18 राज्यों में 2300 गांवों में अडानी फाउंडेशन काम कर रहा है। इसके अलावा अडानी फाउंडेशन के अंतर्गत प्रीति अडानी ने गरीबी, भूख और कुपोषण के खिलाफ 4 फ्लैगशिप प्रोग्राम चलाए। आपको बता दें कि जब गौतम अडानी और प्रीति की शादी हुई तब अडानी का ग्रेजुएशन भी पूरा नहीं हुआ था। प्रीति के पिता सेवंतीलाल बेटी की शादी गौतम से ही कराना चाहते थे। दोनों को जब मिलाया गया तब बात बन गई और 1987 में उनके पहले बेटे का जन्म हुआ।